आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गॉगल्स के बारे में चेकआउट, जो मैं रिसेंटली इसे मंगाया हूँ। बहुत सारे लोग दिन भर मोबाइल पे वर्क करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई ऑफिस वर्क पर्पज़ से वर्क करते हैं, तो कोई गेम के पर्पज़ से देखते रहते हैं, कोई कुछ और अदर पर्पज़ से देखते हैं। जो मोबाइल लवर हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना पसंद है या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मोबाइल पे करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अमृत के समान है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो हम यहाँ पे आज आ गए हैं लेंस कार्ट के साथ। हम आपको इसमें एक गॉगल्स मंगाए हैं दोस्तों। आखिर में क्यों मंगाए हैं और इस गॉगल्स में क्या खासियत है जो मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ गया, तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका पहले ओपनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस कार्ट, आर यू रेडी टू लुक, है ना। इसमें स्पेक्टिकुलर्स है और मेड बाय रोबोट जीरो एरर, मतलब कि रोबोट से द्वारा बनाया जाता है, इसलिए आपको इसमें एक भी एरर देखने के लिए नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे चलिए हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं सर्वप्रथम, जो कि मैं अभी हाल ही में कल ही मैं इसे रिसीव किया हूँ, तो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो वैसे तो आपको पता होगा दोस्तों कि पहले कोई भी गॉगल्स लेने के लिए पहले हमें उसका फ्रेम लेना पड़ता है, देन उसमें, है ना, जो भी पावर लेंस लगवाना है या फिर एक आई प्रोटेक्शन के लिए लेंस लेना है तो आप उसमें फिट करवाते हैं। तो हमने यहाँ पे जो चुना है फ्रेम, वो जॉन जैकॉब्स का चुना हो, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का एक ब्रांड है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये फ्रेम इसका होता है और अट्रैक्टिव होता है। और इनका आप देख सकते हैं पैकेजिंग कितना अच्छा है, कितना अच्छा इसके द्वारा बनाया गया है, जॉन जैकॉब के द्वारा, ठीक है। और ये इसमें हमें एक गॉगल्स मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं जो मैं इसे बनवाया हूँ। ये गॉगल्स जो है वो जॉन जैकॉब का है। जॉन जैकॉब जो है दोस्तों, आप जैकॉब्स जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है, है ना, गॉगल्स को लेकर के जो फ्रेमिंग बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांडिंग किया गया है, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, जॉन जैकॉब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। इसका फ्रेम जो है ना बहुत ही बेस्ट है। इस फ्रेम का मुझे 2500 रुपये केवल लगे हैं, जो कि मैं लेंस कार्ड से मैं इसे ऑर्डर किया हूँ दोस्तों। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा बाकी बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी कितना अच्छा है, है ना, बहुत ही बेस्ट तरह से इसका पैकेजिंग है और इसका फ्रेमिंग किया गया है जॉन जैकॉब्स का। अब इसके में खासियत क्या है दोस्तों, तो मैंने इसे लेंस कार्ड से लिया है और लेंस कार्ड में मुझे इसे पड़ गया लेने में टोटल 2655 रुपये। मेरे सिर्फ 2500 रुपये का फ्रेम था दोस्तों। और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसमें कौन सा ग्लास फिट करवाया हूँ दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन जैकॉब रिच एक्टल, ये आई ग्लास है। और इसमें जो मैंने लेंस लगाया है वो ब्लू कट एंटी ग्लेयर लेंस है। ब्लू कट एंटी ग्लेयर लेंस क्या होता है बेसिकली अगर बात करें तो, अगर आप कितना भी हैवी वर्क कर रहे हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, तो आपको मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलती है, जो आपकी आँखों को प्रभावित करती है, ख़राब करती है ज़्यादा काम करने के कारण, उसको ये क्या करता है, रोकता है। यानी ब्लू लाइट जो है इधर से पार होकर के इधर नहीं आ सकता है। मैं इसका सैंपल के लिए आपको वीडियो डाल दे रहा हूं, आप इसे देखिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रोक देता है दोस्तों। तो ये बहुत ही बेस्ट आपको निकल के आता है, जो कि आपके आँख को पूरा प्रोटेक्ट करता है। तो ये मैंने ब्लू कट एंटी ग्लेयर मंगाया है, जिसका प्राइस 1600 रुपये होते हैं। अगर दोनों को देखेंगे आप तो यहाँ पे 2500 और 1500 रुपये अप्रोक्स, लेके चलिए 4000 रुपये आसपास होता है दोस्तों। तो ये मेरा हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप अधिक देर तक मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्क्रीन चलाते हैं, एडिटिंग करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, अगर आप स्क्रीन के साथ हमेशा लगे रहते हैं दोस्तों, तो आप ये ब्लू कट का जो गॉगल्स है आप उसे ज़रूर लीजिएगा। अगर आप फ्रेम चाहें तो फ्रेम दूसरा ले सकते हैं, फ्रेम से कोई ऐसा आपत्ति नहीं है, लेकिन ब्लू कट लेंस आप ज़रूर लीजिए दोस्तों, जिससे आपकी आँखों को हमेशा, है ना, सुरक्षा प्रदान होता रहेगा, बेस्ट रहेगा, हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किसी भी तरह क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।